Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Accountancy, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की Accountancy Chapter Number 2, Basic Accounting Terms. अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके characteristics, users, उसके advantages, limitations, role, हम ये सब topics cover कर चुके already. अगर आज आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप जाके मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. यहाँ पे हम काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे न्यू जो हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं. तो हमें उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, किसका क्या मतलब है और उसका कहाँ पर हम किसको कैसे यूज़ करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. आज का जो पहला बेसिक टर्म अकाउंटिंग टर्म है हमारा, वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन. अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. बिजनेस ट्रांजेक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम पढ़ चुके इकोनॉमी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ये सब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस जो होती हैं चेंज होती है. ट्रांजेक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. यहाँ इसको समझाने से पहले एक्सटर्नल एंड इंटरनल, पहले मैं आपको ये रिवाइज करा दूँ. मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, फिर मैं बता रही हूँ आज. ट्रांजेक्शन का अगर मैं सिंपल सा मतलब बोलूँ तो इसका मतलब होता है लेन देन करना. ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग, कोई चीज़ परचेज कर रहा है दूसरा उसको सेल कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है. ठीक है, ये जो वर्ड का मीनिंग है वो है ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस यानी कि जो हमारी, जैसे ABC ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है या बिजनेस फॉर्म बोलिए आप, बिजनेस फॉर्म मानते चलिए, ABC लिमिटेड, ABC बिजनेस फॉर्म है हमारा. इस फॉर्म में एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन यानी कि एक्सटर्नल मतलब बाहर के किसी अदर बिजनेस से अगर हम कुछ परचेज सेल कर रहे हैं, मैं डी बिजनेस इंटरप्राइज से गुड्स को परचेज कर रही हूँ और मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ, परचेज और सेल हमारा चल रहा है, ए बिजनेस फॉर्म बी फॉर्म डी बिजनेस फॉर्म के साथ जब डीलिंग कर रही है, दो इंडिपेंडेंट बिजनेस आपस में परचेज एंड सेल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं. इंटरनल ट्रांजेक्शंस आर दोज एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट. मेरी ABC बिजनेस फॉर्म है और मैं बिजनेस में जो भी मेरे एसेट्स हैं ना उनमें मैं डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ. अब यहाँ पे वर्ड आता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है इस पे पहली बात, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो एसेट्स में की वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू वियर एंड टीयर और यूज़ करने से, जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएशन हो रहा है. तो डेप्रिशिएशन पे हमारा एक चैप्टर भी है आगे, हम उसको पूरा पढ़ेंगे कि कितने तरह के मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, सम ऑफ ईयर मेथड्स, ये सब काफ़ी मेथड्स होते हैं 6-7, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली 11th में तो दो ही मेथड्स आते जाता था, स्ट्रेट लाइन है, डिमिनिशिंग, हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या है. डेप्रिसिएशन में पूरा एक चैप्टर है और आगे हमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी. तो यहाँ पहले हम इतना रिवाइज करते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स देखेंगे. बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंज हो रहा है. फाइनेंशियल पोजीशंस में कैसे चेंज आ सकते हैं, जो भी काम मेरा बिजनेस फॉर्म है स्टेशनरी शॉप पे, ABC बिजनेस फॉर्म, ABC स्टेशनरी शॉप, ठीक है, ABC स्टेशनरी शॉप पे, और मैं जो भी यहाँ पे परचेज और सेल करी, इकोनॉमिक एक्टिव करी, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मेरे, यानी कि जो भी लेन देन हो रहा है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज ले रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें और याद रहें. फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डिफिकल्टी हो सकती है, तो जो भी डाउट्स आप पूछ भी सकते हो मेरे से, ठीक है. तो जो वर्ड है ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, मतलब जो भी मैं परचेज और सेल कर रही हूँ डेली, तो उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में तो इफेक्ट आएगा, लास्ट में जाके मुझे ईयर एंड में पता चलेगा ना मैंने कितनी परचेज की, कितनी सेल की, कितने एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम हुई और कितना प्रॉफिट रन किया, ये सब चीज़ें कैसे फाइनेंशियल, इससे डिसाइड होगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन. तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंज है उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं वो मनी टर्म्स में होते हैं और ये रेगुलर बेसिस में होते हैं. बिजनेस क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बिजनेस क्लास 11
में चल ही रहा है आप लोग का टॉपिक, बिजनेस क्या होता है, सब बिजनेस एक्टिविटीज चल रहा है उसमें, कॉमर्स इस टाइम करेंटली तो वही पढ़ रहे हैं, पर हम पढ़ चुके हैं उसमें बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस में परचेज और सेल ऑफ गुड्स का हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, वो भी रेगुलर बेसिस में इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है, ट्रांजेक्शन जो है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जब दो टू इंडिपेंडेंट बिजनेस, मतलब एबीसी स्टेशनरी शॉप और डी स्टेशनरी शॉप, जब ये लोग आपस में परचेज सेल कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स हो गए। जब एबीसी स्टेशनरी शॉप अपने एसेट्स पे, अगर वो चार्ज कर रही डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे, तो वो क्या है, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि उससे किसी बार की फर्म को, किसी और को इफेक्ट नहीं पड़ा, वो जो भी इफेक्ट उसका होगा वो हमारे बिजनेस पे होगा, हमें होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सम एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल। इसकी वजह से, बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस आते हैं फर्म की। अ चेंज किस में, किस वजह से, एसेट्स में चेंज आता है, लायबिलिटीज में और कैपिटल में। अब ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं और इन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल। आज की वीडियो में हम लायबिलिटीज और कैपिटल को डिफाइन करें, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो की उसमें हम एसेट्स को भी डिफाइन करेंगे। द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि वही चीज़ें हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंड जो आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अकाउंट एक रिकॉर्ड है। जब मान लो को एक आपकी कॉलोनी में कोई एक जनरल स्टोर की शॉप है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, और उस शॉप से आप, मतलब मैं ओनर हूँ, मेरी शॉप से आज कितना केजी के लोग, कोई ए पर्सन आया, उसने मेरे से हाफ केजी राइस परचेज किया, तो मैंने लिखा हाफ केजी राइस। कोई आया, उसने मेरे से बिस्किट्स परचेज करके, मैंने नेक्स्ट एंट्री की बिजनेस, आज मैंने 50 रुपीज के बिस्किट सोल्ड किए, फिर मैंने नेक्स्ट एंट्री की नॉर्मल जो करते हैं। तो ये अकाउंट हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं मेरे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी मैंने लेन देन किया, जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किए, उनको मैं पर्टिकुलर पर्सन और आइटम के अकॉर्डिंग उसको कर रही हूँ। आप लोग की कॉलोनी में, आप लोग के बहुत सारे घर में भी होता होगा, जहाँ पे आप जो भी राशन ला रहे हो, जो भी अपना घर का सामान लाते हो, वो मंथली पेमेंट करते हो कि अंकल आप रिकॉर्ड कर लेना उसमें, फिर एंड ऑफ द मंथ आपको मामा पापा कोई भी आके पेमेंट कर जाएगा। ठीक है, तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपके नाम से कर रहे हैं कि ए पर्सन है कोई, और उसके नाम से होगा कि आज उसके घर में इस डेट को इतना सामान गया, कल इस डेट को इतना सामान गया, और फिर ईयर एट द एंड ऑफ द मंथ उन्होंने पूरा कैलकुलेटर बता दिया कि इस महीने आपका इतना राशन गया हमारी शॉप से। तो ये क्या है, ये अकाउंट है। ये क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उस आइटम्स और पर्सन से रिलेटेड। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन इज टर्म अकाउंट। जिस जगह हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। जो हमारी अकाउंट है ना, वो टू साइड्स में डिवाइडेड है। द लेफ्ट साइड जो है, आप जैसा कि देख भी सकते हो, लास्ट वाले में मैंने बनाया डेबिट क्रेडिट एंड बीच में कैश अकाउंट। मान लो कैश अकाउंट में हमने कैश में कितना परचेज सेल किया, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड मतलब हम डेबिट साइड है और राइट है, मतलब कुछ भी करते हैं ना उसका डबल इफेक्ट होता है, डबल एंट्री सिस्टम। और हम किस बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट करते हैं उसको, इसके 3 गोल्डन रूल्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 3 गोल्डन रूल्स जिस बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग होती है, मैं यहाँ पे बस बता देती हूँ आपको। एक होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जो भी हमें इनकम्स और गेन होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये हमारे गोल्डन रूल, इस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग होती है, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं ना जर्नल में, इन्हीं गोल्डन प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं। तो ये जहाँ पे एक जर्नल से आपको आइडिया मिल गया इसको देख के कि डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ें होती हैं, और डेबिट को हम DR से एब्रीवेट जो करते हैं, एब्रीवेशन यूज DR करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो आप सेकेंड लास्ट लाइन में पॉइंट पे, और क्रेडिट को हम CR लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट जो है हमारा राइट हैंड साइड आता है, डेबिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है।
तो ये है अकाउंट, इसे हम बोलते हैं अकाउंट। और चीजें क्लियर होंगी, आपको पेशेंस रखिएगा, जब आप प्रैक्टिकल पे आएंगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक पे। थर्ड हमारा अकाउंटिंग टर्म है आज कैपिटल। इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। जो मेरा बिजनेस मैंने स्टेशनरी का स्टार्ट किया उसमें मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं हम, पैसा लगा के कर सकते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है कर रही हूँ मैं अपने बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग टर्म में मनी वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, यूज करते वर्ड कैपिटल लगाया है मैंने। मैंने अपने बिजनेस एंटरप्राइज में कितना कैपिटल लगाया, कैपिटल कितना पैसा लगाया मैंने, ऐसा पैसा किस, इट इज अ अमाउंट, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं क्लियर होगा आपको। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। ये वो अमाउंट है, ये वो कैपिटल है जिससे हम, जिसकी वजह से हम गुड्स और एसेट्स को परचेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब मुझे स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करनी है तो मुझे गुड्स चाहिए होंगे, किसको बेचूंगी, कुछ सामान चाहिए मुझे, पेन कॉपी क्राफ्ट आइटम सब कुछ चाहिए, तो ये कैसे आएगा, पैसों से आएगा, तो उसके लिए मैं इन्वेस्ट करूंगी, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल और करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर एड अप एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड आउट फॉर इट। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, जो कैपिटल होती है ना उसमें से हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल आती है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लायबिलिटीज और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसेट्स क्या होते हैं। मैं बहुत 5-5 टॉपिक्स लेके चलूंगी डेली ताकि आपको चीजें क्लियर हों, ठीक है, भागना नहीं, हमें आराम से चीजों को समझना है, थोड़ा पढ़ना है पर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपसे कोई कुछ पूछे तो आप बता सको, आप कभी भूलो नहीं इस टॉपिक को। और फिर लास्ट में हम एक रिविजन की क्लास रख लेंगे जिसमें हमें जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े होंगे 30-32 में शायद, और उसको हम पढ़ने में एक रिविजन रख लेंगे जिससे आप हर चीज को रिकॉल कर सको। और कोई भी डाउट हो रहा है आपको किसी टाइम भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये चीज नहीं समझ आई। अभी के लिए अभी इतना फॉर्मूला समझ लो, मतलब समझ आ गया होगा आपको आई होप कैपिटल क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल कैसे कैलकुलेट, अकाउंटिंग इक्वेशन करके एक चैप्टर है हमारा, उसमें वो इसी पे बेस है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है हमारी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ जो हमारा टर्म है आज का वो है ड्रॉइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। मान लो मेरी स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, मैं जो कर रही हूँ क्या कर रही हूँ कि मैं जो पैसा है ना बिजनेस का पैसा है, जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स है कैश है, उसको मैं पर्सनल यूज के लिए निकाल रही हूँ। मतलब कि मैंने, क्योंकि ना एक कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस ओनर होता है ना वो मतलब बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं, हम उनको ये नहीं मानते कि वो एक है, ठीक है। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर, मतलब कि जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और आप बिजनेस मैन को और जो बिजनेस का ओनर है उनको डिफरेंट बात समझ में आ रही है आपको, कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में जो जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ये पढ़ते हैं उसमें कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर, ठीक है। मतलब ये है कि बिजनेस की बात बिजनेस में होगी और घर की बात घर में ही, जो बहुत लेमैन लैंग्वेज अब सुनते आ रहे होंगे, हर किसी ने अपने घर में सुना होगा वो चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं बिजनेस का पैसा निकाल रही हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग करना। कोई प्राइवेट पेमेंट के लिए, यानी कि जो मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए मैं पेमेंट कर रही हूँ बिजनेस से पैसा निकाल के, तो वो होती है ड्राइंग। इसका कैसे क्या यूज होता है ये हम फर्दर पढ़ेंगे। लास्ट टर्म जो आज का है ना हमारा वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटी इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर। ये वो अमाउंट है जो फर्म को ओन करना है, मतलब देना है क्रेडिटर को, या द अमाउंट्स ओड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। लाइबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल। अब कैपिटल तो हमें पता चल गई, लाइबिलिटीज अभी हम पढ़े, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसेट्स, फिर हमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। लाइबिलिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोपराइटर और ओनर आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मतलब वो सारा अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस फर्म को ना अपने ओनर को देना है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है हमसे कि बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट है, वो अलग है उनसे, तो जो पेमेंट मुझे
ओनर को करना होगा ना, तो वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी, वो हमारी बिजनेस फर्म के अंदर की बात है, ठीक है, इंटरनल मैटर है हमारा, और वो लाइबिलिटी हम देते हैं. एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस इंसनेस ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस हैज टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर. कोई पैसा मैंने किसी से उधार लिया, मेरी फर्म ने, और मुझे किसी थर्ड पर्सन को देना है, किसी सेकेंड पर्सन को देना है, तो वो पैसा मेरे, वो क्या हो गया, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. मेरी ABC स्टेशनरी शॉप थी, और जहाँ से मैं गुड्स परचेज करके ला के सेल करती थी ना, अपने मैं जिस होल सेलर मार्केट से लाती थी, मैं लाती थी उधारी पे, क्रेडिट पे लाती थी, ठीक है. तो जो मैं क्रेडिट पे गुड्स लाती थी, उसको मुझे पे करना होगा, तो वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है, तो मुझे उसको जो पे करना है, वो मेरी होगी एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी, जो मैंने पैसा कैपिटल लगाया है भैया अपने बिजनेस में, उससे जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब मुझे भी तो, मैं मेहनत कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे भी तो पैसा चाहिए ना, एटेंट मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए. तो जो हर महीना, हर मंथ में जो पैसा विड्रॉ करती हूँ, कि मतलब अगर मैं किसी और को हायर किया होता या मैं किसी और कंपनी में कहीं फॉर्म में जॉब कर रही होती, तो मुझे हर मंथ सैलरी मिलती, तो वो क्या है, बिजनेस फॉर्म जो है वो, उसको मुझे पेमेंट करनी है कैपिटल, ठीक है. तो सच कैपिटल जो वो दे रही है, मतलब जो पैसा मुझे प्रॉफिट्स में ले रही हूँ उसमें से, वो मेरी इंटरनल लाइबिलिटी होगी, वो बिजनेस फॉर्म जो बिजनेस एंटिटी है ना, उसको पे करना पड़ता है ओनर को, ठीक. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब हुआ कि जो मैंने सेकेंड बिजनेस, मतलब जहाँ से मैं होलसेलर मार्केट से गुड्स ला रही हूँ, उसको मुझे पे करनी है, जो मैंने उधारी उससे लेके माल लेकर आई हूँ, जो मैं गुड्स लेकर आई हूँ अपनी शॉप के लिए, और जो मैं सेल कर रही हूँ कि प्रॉफिट्स कमा रही हूँ, उससे मुझे सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करनी है, मुझे उस क्रेडिटर का पैसा वापस करना है. लाइबिलिटीज दो तरीके की और भी डिवाइड होती है, जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है ना, उनको हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, एक साल से ज़्यादा तक का टाइम पीरियड होता है उसको रिटर्न करने का, और जो शॉर्ट टर्म होती है वो विद इन वन ईयर होती है, उसको हम करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं. अभी सिर्फ आप मतलब समझो, जब प्रैक्टिकली आएंगे ना, तो चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, थोड़ा पेशेंस लग के पढ़ो, और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस, लर्निंग दैट इन्फ्लुएंसेस यू, बाय अवनीत कौर.